जी हाँ दोस्तों, जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल 100% सही है। आप अपने अमेजन पे अकाउंट से 6,000 रुपये तक बचा सकते हो एक साल में। अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो इससे ज़्यादा भी बचा सकते हो। तो चलिए सेविंग से स्टार्ट करने के लिए पहले हम अमेजन पे पे अपना अकाउंट बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम सिंपली अपने अमेजन का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर करेंगे लॉगिन। देखिए जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होगा तो आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दिख रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपके बेहतर जानकारी के लिए मैं पेंसिल से शो कर रहा हूँ। अब हम क्लिक करेंगे अमेजन पे जहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आगे का पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। अब जैसे ही ये पेज खुलेगा ऊपर आप देख सकते हो अमेजन पे बैलेंस सेट अप। तो हम सेट अप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपका नाम और नंबर दिखाएगा। अब देखिए हमें KYC करने के लिए अपनी ID सेलेक्ट करनी है, तो ID जो भी है आपके पास, पैन कार्ड पासवर्ड वो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है अपनी ID नंबर। मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ अपना, और जो ID नंबर है वो डालने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद प्रोसीड हो जाएगा, हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब हम करेंगे इसमें UPI ID ऐड। तो जो अमेजन पे UPI लिखा है उस पर क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए इस तरह से आएगा कुछ, इसमें ऑफर्स या फिर जो भी सारी चीज़ें उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखेगा। यहाँ पे हम जो डिटेल्स हैं वो देख के आगे की तरफ फिर दोबारा से जो पेंसिल का डॉट है जहाँ पे प्रोसीड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अपनी ID है वो सेट करेंगे। देखिए ये वेरीफाई कर रहा है आपका मोबाइल नंबर। अलाउ मांगेगा, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से अलाउ मांगेगा, अलाउ कर देंगे। देखिए फिर आपका सिम चूज करने के लिए कह रहा है, जो सिम आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उस पर चूज करके प्रोसीड कर दोगे। देखिए अभी ये वेरीफाई कर रहा है आपके मोबाइल नंबर को बैंक के साथ, जो आपका नंबर बैंक से लिंक है। सारी डिटेल्स आ चुकी है यहाँ पे। अब आप अपना जो भी बैंक है जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो चूज कर लोगे। यहाँ पे सारे बैंक्स की लिस्ट दिख जाएगी। मैं देखिए मेरा है सेंट्रल बैंक में, मैं सेंट्रल बैंक चूज करके प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे UPI पिन डाल सकते हो, आप बना सकते हो, लेकिन पहले से बना है फोन पे गूगल पे से तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। सेम पिन से ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपकी UPI ID बन जाएगी प्रोसीड करके। यहाँ पे हम अपना QR कोड और जो UPI ID है वो देख सकते हैं। अब जो आपकी UPI ID है वो है आपका मोबाइल नंबर @APL अमेजन पे लिमिटेड। तो इस तरह से आपकी UPI ID बन चुकी है, आपका QR कोड भी बन चुका है, जो शेयर का बटन है उस पर शेयर करके आप UPI ID या फिर QR कोड आप सेंड कर सकते हो किसी को भी। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं अपनी QR कोड को। तो देखिए यहाँ पे आपका QR कोड दिखा रहा है और आपकी जो UPI ID है वो भी दिखा रहा है। अब वापस आते हैं, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो अपना वॉलेट बना है उसमें पेमेंट। अब देखिए ये पेमेंट ऐड करने के लिए क्या करना है, आपका जो वॉलेट सेक्शन है उस पर क्लिक करना है और आप जितना चाहो उतना पेमेंट ऐड कर सकते हो। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जितना अमाउंट आपको करना है 500, 1000, 2000, 10000 तक, क्योंकि अभी आपकी जो ID है आपने इस तरह से वेरीफाई की है, तो आप 10000 तक ही ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट से सीधा या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी करना चाहे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपनी UPI ID बना लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ से एक साल में कितना कमाया। देखिए आप देख सकते हो ऊपर जो डॉट है 6,263 रुपये दिखा रहा है। 2021 में 805 और मई के महीने में 83 रुपीज मैंने यहाँ से कमाए हैं। मैं यहाँ पे आपको 25,000 भी लिख सकता था एडिट करके, लेकिन नहीं, जो रियलिटी है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि लोग आज के टाइम में एडिट करके कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। दोस्तों हम अमेजन पे का यूज करके गैस सिलेंडर बुक करके अपना UPI ID से पैसे ट्रांसफ़र करके मोबाइल रिचार्ज करके QR कोड स्कैन करके पेमेंट करके और बहुत सारे तरीक़ों से कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके अमेजन पे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, और उसको हम दोबारा से इन सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी
ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको भविष्य में भी अपडेट मिलती रहें।